हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉरफेयर चैनल। तो हमारे काफ़ी सारे लूना क्लासिक के होल्डर्स हैं, तो लूना क्लासिक में हमेशा में कुछ ना कुछ उम्मीद बनी रहती है, और ये उम्मीद बनती है सिर्फ ऐसी एक्सचेंजेस के कारण जैसे कि बाइनेंस है। बड़ी से बड़ी एक्सचेंजेस हमें सपोर्ट कर रही हैं, यानी कि लूना क्लासिक के होल्डर्स के जो टोकन्स हैं उनकी वैल्यू लगातार सिर्फ इन्हीं की वजह से बढ़ रही है। अभी फाइनली एक बाइनेंस ने फिर से बहुत ही बड़ा बर्न किया है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ हम लूना की भी बात करेंगे। तो लूना जो एक्चुअल में जो नया लूना है उसकी वैल्यू भी अभी लगभग आधे डॉलर के आसपास चल रही है, तो बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है अगर आपने लूना बाय करना है। तो लूना क्लासिक के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पंप पॉसिबल अभी दिख रहा है, क्योंकि रिसेंटली एक बहुत बड़ा बर्न हुआ है। तो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां पे हम हर एक अपडेट सबसे पहले डालते हैं। तो पिछले कुछ समय से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया था, लेकिन आपको हमारी अपडेट्स लगभग सभी सोशल मीडिया के ऊपर मिल रही होंगी। तो अभी हम फाइनली बात करने वाले हैं बाइनेंस के बारे में। तो बाइनेंस ने यहाँ पे बर्न किया है 1.4 बिलियन टेरा लूना कॉइन्स। तो लूना कॉइन्स की जो बर्निंग है, हमेशा हमारी उम्मीद सिर्फ बाइनेंस जैसी एक्सचेंज से ही रहती है, क्योंकि यही एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, और इसके ऊपर जो वॉल्यूम है लूना क्लासिक का वो भी सबसे ज़्यादा है, जो कि लगभग अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करते हैं यूएसडीटी पेयर में 43% से भी ज़्यादा है। ट्राई पेयर के साथ देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 7% के आसपास है। तो ऐसा मान लो कि 50% से भी ज़्यादा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बाइनेंस के ऊपर ही है। बाकी का जो थोड़ा बहुत परसेंटेज है, जैसे कि 2% 4%, इस तरीके से बायबिट, OKX, क्यूकॉइन, इस ऐसी एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ा है। यानी कि जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं जो यहाँ पे बर्निंग करने वाला है वो सिर्फ बाइनेंस ही है, क्योंकि इसी के पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है और सबसे बड़ा बर्न भी यही कर सकता है। और जो लूना क्लासिक की बर्निंग है ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली करी जाती है। आप अभी देख सकते हैं कि 21वां बैच था, यानी कि 21st बैच था लूना बर्न के मैकेनिज्म का, जिसमें 1.4 बिलियन टेरा लूना कॉइंस को बर्न किया गया था। और अगर हम टोटल 21 बैच के कॉइंस की बात करें तो ये लगभग 57 बिलियन बन चुके हैं, यानी कि 57 बिलियन कॉइंस ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं। तो इस तरीके से लगातार क्या है कि लूना क्लासिक की जो सप्लाई है वो लगातार कम होती जा रही है, और डिमांड मार्केट में लगभग उतनी ही है, क्योंकि जो होल्डर्स हैं वो होल्डर्स ही रहने वाले हैं, कोई भी इसको जल्दी सेल नहीं करने वाला, और इसी में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर हम इथेरियम क्लासिक की बात करते हैं जो कि ETC है, तो उसकी वैल्यू भी आपने देखी होगी कितनी ऊपर गई है। सिमिलरली आप लूना क्लासिक में भी ऐसी वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइनेंस ही बर्न कर रहे हैं। अगर हम पूरी टेरा लूना क्लासिक कम्युनिटी की बात करें तो 112 बिलियन लूना क्लासिक कॉइन्स को बर्न कर दिया गया है। तो आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कि ये बर्न कैसे होता है। जैसे कि मार्च 31 से लेकर अप्रैल 29 तक, यहाँ पे लगभग पूरा एक महीना बनता है, एक महीने में लूना क्लासिक की जितनी भी ट्रेडिंग फी बनी थी उस फी को क्या है कि बाइनेंस बर्न कर देता है। तो इस तरीके से सप्लाई लगातार कम होती रहती है। तो सिर्फ अगर हम ट्रेडिंग फी की बात करें तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 57 बिलियन टेरा लूना कॉइन्स को बर्न कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है तो वो ये कि जो लूना क्लासिक की ट्रेडिंग वॉल्यूम है अप्रैल में थोड़ी कम हुई है, जिसकी वजह से जो बर्न वॉल्यूम है वो भी कम हुआ है। जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगी उतना ही ज़्यादा बर्न का वॉल्यूम भी होगा, उतना ही बड़ा नंबर बर्न का भी होने वाला है। तो जो मार्च महीने में ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रही थी लगभग 100 मिलियन डॉलर के आसपास चल रही थी लूना क्लासिक की, अभी जो चल रही थी ये 30 मिलियन डॉलर के आसपास चल रही थी। तो ये प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, जब प्राइस थोड़ा नीचे जाता है तो क्या है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाता है, प्राइस से थोड़ी सी हाइप बनती है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा बढ़ता है। यही एक मेन रीजन ये भी है कि क्यों जो मार्केट कैप है अभी लूना क्लासिक का वो 600 मिलियन डॉलर के आसपास आ चुका है, पहले ये 1 बिलियन डॉलर के आसपास था। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात है वो ये कि पहले 4 बिलियन से भी ऊपर लूना क्लासिक कॉइन्स को बर्न किया गया था, लेकिन इस बार क्या है कि सिर्फ 1.4 बिलियन लूना कॉइन्स को बर्न किया गया है। ओवरऑल यहाँ पे मैं एक यही सजेशन दे सकता हूँ कि अगर आपके पास लूना क्लासिक कॉइन्स कम है तो आप यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हमें एक डिप देखने को मिला है, इस डिप में आप बाइंग कर सकते हैं, और आगे आने वाले समय में जब भी बर्न्स होने वाले हैं तो बर्न से डेफिनेटली सप्लाई तो कम होगी होगी, लेकिन इसी के साथ प्राइस में भी एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करने वाले हैं लूना के बारे में। लूना की बात करने से पहले आपको बता दूं कि अभी इस वक्त एक कॉइन लिस्ट होने वाला है XSwap के नाम से MEX एक्सचेंज के ऊपर, तो MEX का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो जनरली जब भी कोई नया कॉइन लिस्ट होने वाला होता है तो आपको बता देता हूँ, तो शायद ये लिस्ट भी हो चुका है, लेकिन इसकी क्या है कि लिस्टिंग्स लगातार आती जा रही हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर, क्योंकि इससे पहले ही एक दो दिन पहले ही गेट के ऊपर इसकी लिस्टिंग आई थी। और वैसे भी XSwap एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, ये चेनलिंक का खुद का प्रोजेक्ट है, इसमें जो मेन बैकर्स हैं उसमें चेनलिंक है, P2 वेंचर्स है, मेवन कैपिटल है। तो एक्चुअल में जो XSwap है ये क्रॉस चेन स्वैप प्रोटोकॉल है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोटोकॉल्स में से एक है, और इसके ऊपर लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है।
तो अपनी डिफाई में खुद का ब्रीजर स्वैप लेकर आ रहे हैं और इसी के साथ इनका जो आईडियो है ऑलरेडी एंड हो चुका है। अब इसके बाद क्या कि लिस्टिंग्स आने वाली हैं एक्स स्वैप की, तो डेफिनेटली इस कॉइन को चेक जरूर करना क्योंकि अभी एक्सचेंजेस के ऊपर भी आ रहा है। तो जैसी लिस्टिंग हो जाएगी एक्स स्वैप की, आपको ये प्राइस रिवील हो जाएगा जो कि कॉइन मार्केट के ऐप के ऊपर भी दिखना शुरू हो जाएगा। करंटली इसकी कोई भी वैल्यू नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रही है, प्राइस ट्रैक नहीं हो रहा है इस वक्त, तो इसकी वेट मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पंप पॉसिबल है। तो एक्स स्वैप का जरूर ध्यान रखना, इसमें हमें एक प्रॉफिट भी अच्छा मिलने वाला है। अभी हम बात करने वाले हैं कमिंग बैक टू टेरा लूना। तो टेरा लूना भी इस वक्त लगभग आधे डॉलर के आसपास चल रहा है, 50-60 सेंट के आसपास चल रहे हैं। तो आई थिंक डिप में बाइंग करने का ये बिल्कुल सही मौका है। इस वक्त ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत कम हो चुका है, मार्केट कैप अच्छा चल रहा है, लेकिन इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो इस मौके का हम फायदा उठा सकते हैं, अभी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर आपको लूना या लूना क्लासिक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर इवन USTC के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट जरूर करें, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलने वाली हैं, वॉरफिट ऑफिशियल के ऊपर। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।